अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज से मैं आपके पास सीवीएस फार्माकोलॉजी डिस्कस करूंगी। सीवीएस फार्माकोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मजे की लगेगी जब हम इसको पढ़ेंगे। इंशाल्लाह बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी। लिपिन के अंदर ये बहुत अच्छी लिखी हुई है, वहां से भी करेंगे। कैटजन के भी सारे पॉइंट्स आपको बताऊंगी और साथ ही साथ इसको मैं तारा से भी रिलेट कर दूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आज अपनी सीवीएस फार्माकोलॉजी। इसमें जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, ठीक है। अब एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स से मुराद ऐसी ड्रग्स हैं जिनको यूज करके हमने हाइपरटेंशन को ट्रीट करना है। हाइपरटेंशन क्या है? हाइपरटेंशन का मतलब होता है जब आपका ब्लड प्रेशर रेज्ड हुआ हुआ होता है, ठीक है। अब अगर एक पेशेंट मेरे पास आया है और उसका ब्लड प्रेशर रेज है तो मैं उसको फौरन हाइपरटेंसिव डिक्लेयर नहीं करूंगी। सस्टेन्ड ब्लड प्रेशर जब रेज होता है तो हम इसको हाइपरटेंशन लेके आते हैं, यानी क्रॉनिकली काफी टाइम से उनका ब्लड प्रेशर रेज्ड है। अब ब्लड प्रेशर रेज्ड है तो कितना रेज्ड है और नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी चीजें बताती हूँ। उसके बाद फिर हम इसकी फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की तरफ जाएंगे। आपको पता है बच्चों, जो हमारे पास ब्लड प्रेशर होता है उसको हम दो डोमेन्स में लेते हैं, यानी हमारे पास होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, डायरेक्ट सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। नॉर्मली जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो कितना होना चाहिए, आइडियली या नॉर्मली 120, और डायसिस्टोलिक जो है वो 80 या बिलो 80 जो है वो हमारे पास होना चाहिए, 80 या 80 से कम, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि अगर उसका ब्लड प्रेशर रेज्ड है, कितना रेज्ड है, 120 से 129 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है और अगेन अबव 80 है, तो हम क्या कहेंगे कि इसको हाइपरटेंसिव नहीं कहेंगे। हाँ, इसका ब्लड प्रेशर रेज है और ये फिलहाल प्री हाइपरटेंसिव पेशेंट है, ठीक है, प्री हाइपरटेंसिव पेशेंट है। इसको आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का बोलेंगे, एक्सरसाइज का बोलेंगे, डाइट प्लेन चेंज करने का बोलेंगे, लेकिन कोई प्रॉपर मेडिकेशन हम इसकी फिलहाल स्टार्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर जो उसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 130 से लेके 139 तक और डायसिस्टोलिक 80 से 89 तक है तो ये हाइपरटेंशन होती है और हाइपरटेंशन स्टेज 1 है, ठीक है। सेम एज अगर उसका डायसिस्टोलिक 140 से अबव जा रहा है और सॉरी सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक 90 से अबव जा रहा है तो ये हाइपरटेंशन स्टेज 2 है और ये थोड़ी खतरे वाली बात है और इन दोनों स्टेजेस पे हमें ट्रीटमेंट करना है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देनी है। अब वो कौन सी ड्रग्स है अभी हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने याद रखना है कि स्टेज 1 और स्टेज 2 पे हमने ट्रीटमेंट देना है। स्टेज 1 और 2 क्या है, जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130 से और 140 से ऊपर जाएगा और डायसिस्टोलिक 80-90 या फिर अबव 90 होगा, ठीक है, ये स्टेजेस जो है वो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड करती हैं। सो हाइपरटेंशन क्या है, जब आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 130 और डायसिस्टोलिक इक्वल टू और मोर देन 90 है। अब जो हाइपरटेंशन है बच्चों, इसके कॉजेस क्या हैं, इसको बहुत ज्यादा डिटेल में तो आप लोग पैथो में पढ़ेंगे, ठीक है। मेरी दो वीडियोस भी हैं, मैं उनको टैग कर दूंगी, बेशक उन्हें सुन लीजिएगा। हाइपरटेंशन जो है ये दो तरह की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है, और ये किसी एक रीजन की वजह से नहीं होती। वो बताता है इसकी मल्टीपल अंडरलाइन कॉजेज होंगे, जैसे कि हो सकता है पेशेंट एथीरोस्क्लेरोटिक हो, सॉरी उसकी वेसल्स के अंदर एथीरोस्क्लेरोटिक प्लैक्स बने हुए हों, या फिर कोई और वेस्कुलर डिजीज हो सकता है, या एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं। उसके अलावा वो स्मोक करता है, ये सारी कंडीशन, या फिर स्ट्रेस लेता है, या सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, एक्सरसाइज नहीं है, तो ये सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिन्हें आप पैथोलॉजी में पढ़ोगे। ये सारे के सारे हाइपरटेंशन को अलर्ट करते हैं, हाइपरटेंशन कॉज करते हैं। अब जो हाइपरटेंशन है ये यूएस के अंदर तकरीबन 30% एडल्ट इंडिविजुअल्स को इफेक्ट कर रही है। कुछ लोगों में इसके सिम्टम नहीं होते और क्लिनिकली क्रॉनिकली जब वो हाइपरटेंसिव रहते हैं और ट्रीटमेंट नहीं लेते क्योंकि सिम्टम्स ही नहीं है, तो ये उनके अंदर मेजर कॉज ऑफ डेथ बनती है, क्योंकि ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और एमआई वगैरह भी कॉज करती है, ठीक है। तो ये तो एक नॉर्मल सी बात हो गई हमारे पास हाइपरटेंशन की। अब हम जाते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ, लेकिन ट्रीटमेंट से पहले एक चीज बच्चों समझ लो कि ब्लड प्रेशर नॉर्मली आपकी बॉडी के अंदर मेंटेन कैसे होता है। फिर जब हम ये वाली चीज कर लेंगे तो देखना सारी ड्रग्स जो है वो इसके ऊपर अप्लाई होंगी। नॉर्मली आपको पता है जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कार्डियक आउटपुट इन टू टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, यानी जितना कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा उतना ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, जितनी पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस आपकी आर्टरीज की वेसल्स की रेजिस्टेंस बढ़ेगी, जितना वो कंस्ट्रिक्ट करेंगी उतना ही ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, ठीक है। अब ये जो नॉर्मल आपका ब्लड प्रेशर होता है, लिपिन के अंदर इसको बड़ा अच्छा लिखा हुआ है और ये वाला फ्लो चार्ट सा है,
जो आगे जाके हर चीज पे अप्लाई होगा। इस ब्लड प्रेशर को नॉर्मली कौन मेंटेन करे, एकदम से तो मैंने स्ट्रेस लिया तो मेरा ब्लड प्रेशर तो रेज नहीं होगा, ठीक है, या मैंने अल्कोहल इनटेक किया या कोई भी फैक्टर था, तो एकदम से तो बीपी रेज नहीं होता। बॉडी के अंदर रेगुलेटेड मैकेनिज्म्स हैं, ब्लड प्रेशर को मॉनिटर किया जा रहा होता है, कंट्रोल किया जा रहा होता है। कौन मॉनिटर कर रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है, दो रिफ्लेक्स है, एक हमारे पास बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स है, ठीक है, बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स है, ये आपके ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करता है और कंट्रोल कर रहा होता है। कैसे करता है मैं भी बताती हूँ। और दूसरा रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है किडनी का, जो के बड़ा इफेक्टिवली काम करता है और आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है या रेगुलेट करता है, ठीक है। अब कैसे मेंटेन और रेगुलेट करता है, इसको हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हुआ, कम हो गया, ठीक है। जैसे ही ब्लड प्रेशर कम होगा तो इस कम ब्लड प्रेशर को कौन सेंस करेगा, बैरोरिसेप्टर जो एओर्टिक और कैरोटिड साइनस में होती है, वो सेंस करेंगी फॉरन कि ब्लड प्रेशर कम है। जब वो कम ब्लड प्रेशर को सेंस करेंगी तो ब्रेन स्टेम को सिग्नल देंगी कि ब्लड प्रेशर जो है वो क्या है, और किस तरह सिग्नल देती है, ब्रेन स्टेम की तरफ जो फायरिंग होती है उसको कम कर देती है। ये फिजियोलॉजी के अंदर हमने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। ब्रेन स्टेम को जब पता चलता है कि ब्लड प्रेशर कम है तो ब्रेन स्टेम क्या एनहेंस कर देता है, अपनी सिंपथेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, ठीक है, सिंपथेटिक एक्टिविटी टूवर्ड हार्ट और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बढ़ा देता है। अब एएनएस के अंदर हमने बहुत डिटेल से पढ़ा हुआ है कि जब सिंपथेटिक एक्टिविटी इनहेंस होती है तो क्या रिलीज होता है, नॉरएपिनेफ्रिन, और पैरासिंपथेटिक एक्टिविटी इनहेंस होती है तो क्या रिलीज होता है, एसिटाइलकोलीन। यहां पे सिंपथेटिक एक्टिविटी इनहेंस हुई, तेज हुई, सिंपथेटिक एक्टिविटी के रिस्पांस में क्या रिलीज होगा, नॉरएपिनेफ्रिन। अब ये नॉरएपिनेफ्रिन जाएगा आपके हार्ट के ऊपर होते हैं बीटा वन रिसेप्टर्स, उनके ऊपर एक्ट करेगा, बीटा वन को स्ट्यूमुलेट करेगा। बीटा वन जब नॉरएपिनेफ्रिन की वजह से स्ट्यूमुलेट होंगे तो क्या इंक्रीज हो जाएगा, हार्ट रेट इंक्रीज होगा, ठीक है, हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो इंक्रीज होगी और कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। अब यहां पे क्या बताया था कि जब आउटपुट इंक्रीज होगा तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, सो आउटपुट और हार्ट रेट और ये सारी चीजें इंक्रीज होने से आपका ब्लड प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ब्लड प्रेशर जो डिक्रीज हो रहा था वो इंक्रीज हो गया, तो अकेला बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स ही काफी है आपके ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करने के लिए। लेकिन ये जो नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज हुआ है ये सिर्फ बीटा वन के ऊपर एक्ट नहीं करता, बल्कि ये नॉरएपिनेफ्रिन अल्फा वन के ऊपर भी एक्ट करता है। अल्फा वन कहां होते हैं, एएनएस अच्छे से पढ़ा हुआ तो ये चीजें आती होंगी। अल्फा वन जो है वो आपकी वेस्कुलर स्मूथ मसल्स में होते हैं। अल्फा वन जब स्ट्यूमुलेट होंगे तो ये जो वेस्कुलर स्मूथ मसल्स हैं ये फर्दर कंस्ट्रिक्ट करेंगे, सो वेजो कंस्ट्रक्शन होगी। वेजो कंस्ट्रक्शन की वजह से क्या बढ़ेगी, पेरीफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ेगी, और यहां पे पड़ा रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। सो रेजिस्टेंस बढ़ने से भी फर्दर क्या बढ़ेगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अब ये जो बीटा वन है ना बच्चों, ये सिर्फ हार्ट में नहीं होते, एएनएस में हमने पढ़ा हुआ है, बीटा वन जो है ये वाले जो बीटा वन है ये कहाँ पे भी होते हैं, किडनी में भी होते हैं, ठीक है। तो बीटा वन जो है किडनी में भी होते हैं, तो नॉरएपिनेफ्रिन ने इन बीटा वन को स्ट्यूमुलेट किया तो किडनी के बीटा वन को भी स्ट्यूमुलेट करेगा। जब किडनी के बीटा वन को स्ट्यूमुलेट करेगा तो क्या रिलीज करेगा, रेनिन रिलीज करेगा, ठीक है। किडनी में से क्या रिलीज होगा, हमारे पास रेनिन रिलीज होगा। ये जो रेनिन है ना, आगे हम पढ़ेंगे, एक तो किडनी से भी रेनिन रिलीज हो गया, दूसरी बात यह है कि जब ब्लड प्रेशर कम होता है तो इसका मतलब है वॉल्यूम कम होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम, क्योंकि ब्लड प्रेशर जो है वो डायरेक्टली रिलेट होता है वॉल्यूम के साथ भी, ट्रीटमेंट में भी हम चीजें पढ़ेंगे। तो जैसे ब्लड प्रेशर कम होता है तो किडनी की तरफ ना ब्लड फ्लो कम कर दिया जाता है, ठीक है, किडनी की तरफ ब्लड फ्लो कम कर दिया जाता है। जब किडनी की तरफ ब्लड कम जाता है तो ऑब्वियसली बात है जीएफआर कम होगा, ठीक है। जब जीएफआर कम होगा तो उसको कौन सेंस करेगा, आप उसको सेंस करती हैं डिस्टल कॉन्विलेटेड टिब्यूल के ऊपर जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स वगैरह सेंस करेंगे, और वो भी लेड करते हैं टुवर्ड द रिलीज ऑफ रेनिन। और जब हमारे पास रेनिन रिलीज होगा वहां पे भी, तो जब हमारे पास ये ब्लड फ्लो कम होता है ना बच्चों, तो इसकी वजह से भी क्या रिलीज होना शुरू हो जाता है, रेनिन। तो ये भी रेनिन को, रेनिन की मतलब सिक्रीशन को कोरेस्पॉन्ड करता है। अब जब रेनिन रिलीज हो रहा है तो हो क्या रहा है, रेनिन जाता है और एंजियोटेंसिनोजन को किस में कन्वर्ट कर देता है, एंजियोटेंसिन वन में। और ये जो एंजियोटेंसिन वन है इन द प्रेजेंस ऑफ एस, ये कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन टू में, ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, एंजियोटेंसिन टू में। ये बातें भी हमने पहले पढ़ी हुई है। साथ ही साथ आपके पास क्योंकि जीएफआर कम हो रहा है, तो जीएफआर के कम होने की वजह से डिस्टल कॉन्विलेटेड टिब्यूल पे फोडियम एंड वाटर की रीअब्सॉर्प्शन ज्यादा होगी। जब इसकी रीअब्सॉर्प्शन ज्यादा होगी तो आपके पास क्या ज्यादा हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम ज्यादा होगा।
वॉल्यूम ज्यादा होगा ना बच्चों, तो आपके पास वीनस रिटर्न ज्यादा, और वीनस रिटर्न ज्यादा तो कार्डियक आउटपुट ज्यादा, और कार्डियक आउटपुट ज्यादा तो ब्लड प्रेशर ज्यादा। तो इस तरह ये एडिशनल फैक्टर भी फर्दर ब्लड प्रेशर को रेज कर देंगे। और सेम एज जो एंजियोटेंसिन टू बना है, एंजियोटेंसिन टू एक बहुत पावरफुल वेजो कंस्ट्रक्टर है। ये वेजो कंस्ट्रक्शन करेगा, पेरीफ्रल वेस्कुलर रेजिस्टेंस को बढ़ाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो भी क्या बढ़ेगा आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। इसी तरह वॉल्यूम बढ़ने से भी आपका क्या बढ़ेगा, मैं यहाँ पे इसको करूंगी तो ये चीजें बहुत सारा मिक्स हो जाएंगी, लेकिन ये ऐसे ही होती हैं कि ब्लड वॉल्यूम बढ़ने से कार्डियक आउटपुट, और कार्डियक आउटपुट बढ़ने से टोटल पेरीफ्रल वेस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ती है। तो एक बस कंफ्यूज नहीं होना, एक तो सिंपथेटिक सिस्टम ने खुद सारी चीजें की, दूसरा ब्लड फ्लो किडनी की तरफ कम हुआ, और नॉरएपिनेफ्रिन ने भी रेनिन को एक्टिवेट किया, कम ब्लड फ्लो ने भी रेनिन को एक्टिवेट किया। कम ब्लड फ्लो की वजह से जीएफआर कम, रीअब्सॉर्प्शन ज्यादा, वॉल्यूम ज्यादा, और रेनिन की वजह से एंजियोटेंसिन 2 बना है जो पावरफुल वेजो कंस्ट्रक्टर है, और उसमें भी क्या कर देना है फर्दर आपके पास पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस और ब्लड प्रेशर को बढ़ाना है। ना सिर्फ ये, बल्कि ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ना ये स्ट्यूमुलेट करता है एल्डोस्टेरोन को भी, ठीक है, किसको स्ट्यूमुलेट करता है एल्डोस्टेरोन को, और एल्डोस्टेरोन भी एक्सेसिव सोडियम रीअब्सॉर्प्शन, और जितनी सोडियम रीअब्सॉर्प्शन उतनी वाटर रीअब्सॉर्प्शन, उतना वॉल्यूम ज्यादा, और उतना आपके पास कार्डियक आउटपुट और ब्लड प्रेशर ज्यादा। तो ये सारा मैकेनिज्म आपकी बॉडी में नॉर्मली चल रहा है, मतलब इसमें कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस होती है तो ही बीपी जो है वो ऑल्टर हो जाता है। और फिर हम इसको किस तरह रोक सकते हैं, इसके ऊपर किस तरह ड्रग्स अप्लाई होंगे अभी मैं बताती हूँ। अगर ये समझ आ गया ना तो ड्रग्स बहुत ईजिली समझ सको गे, ये वाली एक सारी बात होगी। अब ये तो बात हमने तब की जब ब्लड प्रेशर कम था, तो अल्टीमेटली इफेक्ट क्या आ गया कि ब्लड प्रेशर रेज हो गया। अब अगर ब्लड प्रेशर रेज हुआ हुआ होगा ना, तो यहां से रिलीज होगा आपके पास क्या, नॉरएपिन एसिटाइल कोलीन, क्योंकि पैरासंपथेटिक डोमिनेट करेगा, और एसिटाइल कोलीन ये सारे हार्ट को डिप्रेस कर देगा और ब्लड प्रेशर को कम कर देगा। तो यूं नॉर्मली जो है वो बैरोरिसेप्टर और रेनिन एंजियोटेंसिन आपके ब्लड प्रेशर को मॉनिटर कर रही है, ठीक है। अब अगर हमारे पास ब्लड प्रेशर रेज्ड है तो हमने उसके ऊपर ट्रीटमेंट किस तरह से अप्लाई करना है ये मैं समझाती हूँ।